नमस्कार, मेरा नाम फरहीन अहमद है। मैं आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब गांधी फेलोशिप में थी तो मेरे पास जो एक कम्युनिटी था, तो उस कम्युनिटी के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। वो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था और उस दौरान मुझे लग रहा था कि वहाँ पे सिर्फ स्कूल के स्टडीज़ के अलावा और उस स्कूल में जो बच्चे थे उनका कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में एंगेज वो लोग नहीं थे। तो मुझे लगा कि वहाँ के यूथ के लिए और बच्चों के लिए मुझे एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। और मैंने वहाँ पे जो सरपंच है उन लोगों के साथ मैंने बात किया और मैंने उनको बताया कि जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी कैसे काम करती है या लाइब्रेरी का बेनिफिट्स क्या है। तो उनको वो आइडिया अच्छा लगा, लेकिन वो उनके पास वो फंड नहीं था कि वो मुझे हेल्प कर पाए। तो उन्होंने बोला कि आप चेयरमैन से बात करो, लेकिन मेरे पास मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं चेयरमैन के साथ बात करूं। लेकिन मैंने चेयरमैन के साथ बात किया और मैंने उनको अपना आइडिया बताया, लेकिन वो पहले एकदम भी राजी नहीं थे इस आइडिया के साथ। लेकिन मैंने उनको बताया कि कम्युनिटी लाइब्रेरी एक गांव में कितना ज़्यादा महत्व रखती है। तो उन्होंने मुझे उस दौरान फाइनेंशियली हेल्प किया और वो जो गांव है वहाँ के बहुत सारे लोगों ने मुझे फाइनेंशियली हेल्प किया था। और अभी उस कम्युनिटी में कम्युनिटी लाइब्रेरी है और वहाँ पे जो यूथ है और वहाँ के जो बच्चे हैं वो उस कम्युनिटी लाइब्रेरी को यूज़ कर रहा है। और इसी इंसिडेंट के बाद मुझे लगा कि जो मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया और मैं अभी कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। और आगे मैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँगी और वहाँ पर जो भी टास्क मुझे मिलेगा और मैं वो टास्क कॉन्फिडेंटली कर पाऊँगी, वो शायद मुझे इंडिविजुअली करना पड़े या मुझे ग्रुप के साथ करना पड़े और कोई भी सिचुएशन में करना पड़े, मैं वो कॉन्फिडेंटली कर पाऊंगी। यही था मुझे। थैंक यू।